वेलकम व्यूअर्स, अब हम बनाने लगे हैं चॉकलेट गनाश, जिसकी हम केक के अंदर लेयरिंग करेंगे। तो हमने ली है 400 ग्राम्स जो है ये मिल्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट नहीं ली मैंने, मिल्क चॉकलेट ली है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और 400 ml ही मैंने क्रीम ली है। इसको मैंने गर्म कर लिया है और अब ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। क्रीम को आपने गरम कर लेना है, बेशक आप माइक्रोवेव में कर लें या आप वैसे ही कर लें, लेकिन इतना ना पकाइएगा क्रीम को कि उसका घी निकल आए। बस हल्की सी हमने इतना मेल्ट उसको गरम करना है कि हमारी चॉकलेट जो है वो उसके अंदर आराम से मेल्ट हो जाए। अब हमने इसको 2 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखना है, फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट्स के बाद हमारी चॉकलेट जो है वो आराम से बीच में मिक्स होने लग गई है। ये देखिए, इसको आपने इस तरह मिक्स करते जाना है हैंड व्हिस्क के साथ। अगर वो नहीं है स्पैचुला ले लें, स्पैचुला नहीं है तो कुछ साफ वुडन स्पून ले लें, वो भी नहीं है तो आप कोई भी आम चम्मच ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। बस इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए कितने मज़े की इसकी शक्ल आ गई है। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी हमारे बीच में थोड़े से नज़र आ रहे हैं पीसेस चॉकलेट के, ये देखें। चॉकलेट गनाश की जो है वो 3 रेशोज में हम चॉकलेट गनाश बनाते हैं। ये जो मैंने बनाई है ये हाफ एंड हाफ है, यानी कि 1 पार्ट चॉकलेट है, 1 पार्ट ही जो है वो क्रीम है। एक हमारी चॉकलेट गनाश बनती है जो हमारी ऊपर आइसिंग के लिए यूज़ होती है, या आप कह लें कि व्हिप्ड क्रीम के लिए यूज़ होती है। उसमें आप जो है वो 1% करते हैं उसका, 1 पार्ट करते हैं क्रीम का और 2 पार्ट करते हैं चॉकलेट के। यानी कि अगर 200 ग्राम्स आपके पास चॉकलेट है तो आप 100 ml जो है उसका आप क्रीम का लेंगे। फिर अगर आपने गनाश पतली रखनी है, लाइक आपने चॉकलेट फाउंटेन में लगानी है, या आपने एक डिपिंग सॉस बनानी है चॉकलेट गनाश की, स्ट्रॉबेरीज के लिए या पार्टीज, बर्थडे पार्टीज के लिए चॉकलेट डिप बना रहे हैं कि आप उसमें बिस्किट्स बच्चे डिप करके खा लें, स्ट्रॉबेरीज खा लें, जो भी होता है, उसके लिए आपने 2 पार्ट क्रीम का करने हैं और 1 पार्ट चॉकलेट का करना है। ठीक है व्यूअर्स, हमारी चॉकलेट गनाश रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितने मज़े की है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हम केक की आइसिंग करेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।